अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो से भी भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। दोस्तों, हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर ग्लोबली देखा जाए तो पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग की बहुत सारी मार्केट प्लेसेज हैं जहाँ पर लोग ऑनलाइन जॉब करके अर्निंग कर रहे हैं, जिनमें कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि नेशनल लेवल की हैं, जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री तक ही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो कि इंटरनेशनल हैं और ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में काम कर रही हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग वहां पर अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं आपको आज उन्हीं में से टॉप 5 वेबसाइट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ पर आप लोग अपनी स्किल्स को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स पर आप लोगों को डिफरेंट कैटेगरी के वर्क्स मिलते हैं जो कि इजी भी होते हैं, टफ भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका प्राइस कम होता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका प्राइस हाई होता है। और अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कितनी है, आप अपनी स्किल में कितनी एक्सपर्टीज रखते हैं और आप लोग कितना टाइम दे सकते हैं इस काम को। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास वेबसाइट आती है वो है fiverr.com। जी, fiverr.com बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए ऑनलाइन जॉब करने का, फ्रीलांसिंग करने का, जहाँ पे आप लोग अपनी स्किल्स को सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। fiverr.com का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को बिडिंग नहीं करनी होती, यहाँ पर क्लाइंट खुद आप लोगों के पास चल के आता है। आप लोगों ने बस इतना करना होता है कि आप लोगों ने जो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करनी होती है, अपनी पोर्टफोलियो में अच्छी चीज़ें रखनी होती हैं ताकि इनसे अट्रैक्टिव होकर क्लाइंट खुद आपके पास चल के आए। आपकी जो प्रोफाइल है वो जितनी ज़्यादा आई कैची होगी, जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, उतने ज़्यादा आप लोगों को ऑर्डर्स मिलेंगे और क्लाइंट खुद ब खुद आप लोगों के पास आएगा। ठीक है, आप लोग इस वेबसाइट को देख सकते हैं। अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है फाइवर पर तो आप लोग इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखें कि क्या स्किल्स सेल हो सकती हैं। ग्राफिक डिज़ाइन है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, वीडियो एनिमेशन है, म्यूजिक एंड ऑडियो है, प्रोग्रामिंग है, बिजनेस है, लाइफस्टाइल है, डाटा है, फोटोग्राफी है। आई डोंट थिंक सो कि इनमें से किसी एक स्किल पर भी आप लोगों को ग्रिप नहीं होगी। आप इनमें से कोई भी स्किल उठा सकते हैं, किसी स्किल पर भी आप लोग अपनी प्रोफाइल को बेस कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों के पास वही वाली आ जाती है। ठीक है, वही स्किल्स आ जाती हैं। देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या क्या आ जाता है, लोगो डिज़ाइन है, ब्रांड स्टाइल गाइड है, फ्रंट फॉन्ट है, टाइपोग्राफी है, बिजनेस कार्ड्स हैं, स्टेशनरी है। ठीक है, गेमिंग में आ जाता है बहुत कुछ। उसके बाद वेब एंड ऐप डिज़ाइन में आ जाता है, ये सारा कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही आ रहा है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में भी देख लें कितना कुछ आ रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे SEO कहते हैं वो भी आ जाता है, लोकल SEO भी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है। इसी तरीके से आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में देखें तो आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट है, ट्रांसलेशन है, प्रूफ रीडिंग भी आ जाती है। अगर आप लोगों को लिखना नहीं आता तो एटलीस्ट प्रूफ रीडिंग करना तो आता ही होगा। रिज्यूम राइटिंग है, कवर लेटर्स है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, एड कवर। इसी तरीके से आप लोग वीडियो एंड एनिमेशन में आके देखें तो वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एड्स है, कमर्शियल है, एनिमेटेड एनिमेटेड करेक्टर एनिमेशन, म्यूजिक वीडियो, लोगो एनिमेशन। इसी तरीके से अगर आप लोग सबको देखें, आप लोगों के पास थाउजेंड्स ऐसे स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप लोग इजीली काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई बहुत अच्छी एक्सपर्टीज नहीं है किसी स्किल पर तो आप लोग ऐसे छोटे छोटे काम करके भी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, fiverr.com जो है वो फर्स्ट नंबर पे है फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में, आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है freelance.com। freelancer.com भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले साइन अप करना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बिडिंग करनी होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये किन किन कंपनीज के साथ जो freelancer.com है वो कनेक्टेड है, फेसबुक है, अमेजोन है, जियोलिट है, उसके बाद गूगल भी है, गूगल खुद भी यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है,
पोस्ट अ जॉब, चूज फ्रीलांसर, पे सेफली, ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग इस वेबसाइट पर आकर विजिट करें तो आप लोगों को सारा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ पर भी देखें वो कहता है गेट वर्क इन ओवर 1800, यानी कि 1800 डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज की यहाँ पर जॉब्स हैं जिनके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लें आप लोग, वेबसाइट डिज़ाइन है, ट्रांसलेशन है, पाइथन, एक्सेल, फोटोशॉप, मोबाइल एप्स, रिसर्च, वर्डप्रेस, स्क्रिप्टिंग है, गोस्ट राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है, एंड्रॉयड ऐप है, इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि ईजी भी हैं, जो कि टफ भी हैं। अगर आप लोग इन पर काम करें तो आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि वो स्किल्स जिनके ऊपर कॉम्पिटिशन नहीं होता, जैसे कि कॉन्टेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग या ट्रांसलेशन, ऐसे स्किल्स जिनके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता लेकिन इनकी जॉब्स बहुत सारी होती हैं, तो आप लोग इन स्किल्स के थ्रू एटलीस्ट अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है वो है अपवर्क। अपवर्क भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ पर कैटेगरीज भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, डिज़ाइन है, क्रिएटिव है, सेल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन भी आ जाता है इसमें, एडमिन है, कस्टमर सपोर्ट है, इसी तरीके से और बहुत सारी यहाँ पर कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप लोग काम करके अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होता है, अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद, गिग्स बनाने के बाद आप लोगों को बिडिंग करनी होती है। इज ऑल टाइम यू हैव बिडिंग, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिडिंग करनी होती है ऐसा, लेकिन हाँ आप लोगों को खुद भी वो ऑफर करते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन आप लोगों को बिडिंग यहाँ पर करनी होती है, ठीक है। फाइवर पर क्या होता है कि आप लोगों को खुद ब खुद ही ऑर्डर्स मिलते हैं, क्लाइंट खुद आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ पर आता है, लेकिन अपवर्क पर आप लोगों को बिडिंग करनी होती है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद आप लोगों ने बिडिंग करना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है पीपल पर और। पीपल पर और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ये हमारे पास अपवर्क और फाइबर का कम्बिनेशन है। आप लोग इसे कह सकते हैं कि अपवर्क का और फाइबर का कम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्लाइंट खुद ब खुद आपके प्रोफाइल पर नहीं आता, ना ही सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बिडिंग करनी होती है, यहाँ पर दोनों काम होते हैं। आप बिडिंग भी कर सकते हैं, आप और क्लाइंट खुद ब खुद भी आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और यहाँ पर आप लोग कैटेगरीज भी देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग में आगे फर्दर कितनी सारी आ गई हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में भी देख लें कि आगे फर्दर बहुत सारी आ गई हैं, डिज़ाइनिंग में भी फर्दर बहुत सारी हमारे पास स्किल्स आ गई हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में भी फर्दर बहुत सारी स्किल्स आ गई हैं, वीडियो है, फोटो, इमेज, बिजनेस है, म्यूजिक, ऑडियो है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग, सेल्स, सोशल मीडिया, इसी तरीके से ही बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारी लास्ट वेबसाइट की तरफ जो कि है guru.com। जी हाँ, guru.com। guru.com भी एक्जैक्टली पीपल पर और की तरह है, यहाँ पर आप लोग बेटिंग भी करते हैं और क्लाइंट खुद आप लोगों की जो प्रोफाइल है वहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल पीपल पर और की तरह फाइबर और अपवर्क का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी आप लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज की स्किल्स मिल जाएंगी जिसको आप लोग सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो फाइन के टॉप फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, जो टॉप स्किल्स हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, डिज़ाइन एंड आर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, सेल एंड मार्केटिंग आ जाता है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आप लोग यहाँ से ऑल स्किल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। नीचे देखें यहाँ पर कितने एम्प्लॉयज हैं पूरी दुनिया से जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर उन्होंने पेड कितना किया, फ्रीलांसर कितने हैं और यहाँ पर इनको जो क्रेडिट मिला हुआ है वो कितना है। सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट में तो इसके फर्दर नीचे कितनी सारी सब स्किल्स आ जाती हैं जिनके ऊपर आप लोग
काम कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप डेवलपर है, API डेवलपर्स हैं, CSS डेवलपर्स हैं, Facebook API डेवलपर्स, HTML, HTML5, iOS ऐप, Java, इसके बाद राइटिंग ट्रांसलेशन पे भी आके देखें तो फर्दर हमारे पास बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं जो कि देखिए अनलिमिटेड हैं। ठीक है, आप लोग इनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास टॉप 5 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स की जिनके ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हैं, जिनमें हम लोगों ने फाइवर की बात की कि फाइवर में कैसे आप लोगों ने वर्क करना है। फाइवर में क्लाइंट है वो खुद आपकी प्रोफाइल पे आता है, आपने जस्ट अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फ्रीलांसर की बात की कि फ्रीलांसर भी बहुत अच्छा मार्केट प्लेस है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, तो आप लोग भी यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपवर्क की बात की, अपवर्क में आप लोगों को बिडिंग करनी होती है, पीपल पर आर में बहुत सारी कैटेगरीज होती है स्किल्स की जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। पीपल पर और अपवर्क और फाइवर की कॉम्बिनेशन है सेम, guru.com भी पीपल पर और की तरह बिडिंग भी करवाता है आपसे और क्लाइंट को खुद आपके पास भी लेके आता है। तो ये हमारे पास टॉप वेबसाइट्स थी जिनके ऊपर आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इन पर वर्क भी करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।